20 मोटरसाइकिल जलकर खाक। जी हां, मुंबई के कोल्हा इलाके में स्थित नेहरू नगर में भीषण आग लग गई है। यहां पार्किंग में खड़ी लगभग 20 मोटरसाइकिल आग में जलकर खाक हो गई है। ये गाड़ियां नेहरू नगर रिहायशी सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी थी। जानकारी के अनुसार ये आग आज सुबह 5 बजे के आसपास लगी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि लगभग 20 मोटरसाइकिल आग में जलकर खाक हो गई। खबर मिलने तक आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। 3:40 को हमको मालूम पड़ा कि नीचे अंगार लग गई है। हम लोग 3:40 को नीचे भाग के आए तो देख रहे थे पूरा यहाँ पे 30 से 35 बाइक ये सब इसमें जल गई है। 6 माले पे आग लग गई, 8 माले पे आग लग गई। उसके हिसाब से पूरा नीचे मंडप बांधा हुआ था, मंडप के नीचे सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, सारी गाड़ी इसके अंदर जल के खाक हो गई। फायर ब्रिगेड इसमें हमारी 4 बजे फायर ब्रिगेड आ गई थी, 20 मिनट के अंदर आ गई थी। घायल कोई नहीं हुआ इसमें, सिर्फ गाड़ियों का नुकसान हुआ, सिर्फ बाइक जितनी गाड़ी यहाँ नीचे खड़ी थी मंडप के वो जल गई है। क्या बाइक में आग लगी लगाई गई? अब ये तो सब घरों में अपने सोए हुए थे, किसी को कुछ मालूम नहीं है। जब अंगार की लपटें ऊपर तक आने लगी तो पब्लिक नीचे भाग के आई है, फिर हम लोग ने देखा कि गाड़ियाँ जल गई है उसके अंदर। 8 माले पे भी एक रूम में आग लगा था। अब वो रूम के कारण लगा कि नीचे किसी ने अंगार लगाया ये मालूम नहीं है। हम लोग नीचे आने के बाद ये सब देख रहे थे तो पूरी गाड़ी जल के खाक हो गई। 15-20 मिनट में फायर ब्रिगेड आया, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। गाड़ी थी? हाँ, हमारी भी खुद की गाड़ी थी, वो भी जल के राख हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट IGR।